फूड ड्रॉप को डिस्कस कर लेते हैं। फूड ड्रॉप या फिर नॉर्मल फूड को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास नॉर्मल फूड है और ये ड्रॉप फूड है। नॉर्मल फूड में क्या होता है कि हम नॉर्मली फूड की जो मूवमेंट है अपवर्ड और डाउनवर्ड ही हम कर सकते हैं। अपवर्ड मतलब डोर्सी फ्लेक्शन और डाउनवर्ड प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के वो ठीक होते हैं तो उनकी वजह से ये मूवमेंट्स हमारी पॉसिबल होती हैं। लेकिन फुट ड्रॉप में क्या होता है, ये जो इंटीरियर साइड के मसल्स हैं स्पेशली टिबियलिस इंटीरियर, उसकी वीकनेस हो जाती है। उसकी वीकनेस की वजह से ये जो हमारी डोर्सी फ्लेक्शन है अपवर्ड मूवमेंट है फुट की, ये नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप पेरोनियल नर्व इंजरी की वजह से होती है। अब हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व भी होती है, सुपरफिशियल भी या फिर डीप पेरोनियल नर्व। फुट ड्रॉप जो कंडीशन है वो कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से भी हो सकता है या फिर डीप पेरोनियल नर्व की वजह से, क्योंकि डीप पेरोनियल नर्व ही टिबियलिस इंटीरियर को सप्लाई करती है, सुपरफिशियल की वजह से ये नहीं हो सकती कंडीशन। अच्छा, इसमें होता क्या है, द पेशेंट इज अनएबल टू लिफ्ट द फ्रंट ऑफ द फुट अप ड्यू टू वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द टिबियलिस इंटीरियर मसल विच लिफ्ट द फुट अप। फुट ड्रॉप में अब जो मेनली हमें नर्व इंजर मिलती है वो है डीप पेरोनियल नर्व। गिव इनर्वेशन टू द टिबियलिस इंटीरियर मसल ऑफ द लोअर लेग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट। ये वही चीज़ होगी जो हमने पहले डिस्कस की थी, इंटीरियर मसल्स को डीप पेरोनियल नर्व ही सप्लाई कर रही होती है। तो जब भी डिनर्वेशन होगी तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे और ये मूवमेंट नहीं हो सकेगी। सिम्टम्स क्या मिलेंगे फुट ड्रॉप में हमें, डिफिकल्टी मूविंग योर एंकल, डिफिकल्टी बेंडिंग योर नीज, ड्रैगिंग टो व्हेन यू वॉक, अ हाई स्टेपेज गेट, पेन इन योर लेग हिप और बैक, मसल वीकनेस इन योर लेग, नमनेस इन योर लेग या फिर टिंगलिंग इन योर लेग। वही अपवर्ड मूवमेंट ना होने की वजह से इसमें एंकल भी मूव नहीं हो सकेगा, डिफिकल्टी होगी, नी बेंडिंग में भी डिफिकल्टी होगी, वो अपने टोस जो हैं वो ड्रैग करेगा ड्यूरिंग वॉक, हाई स्टेपेज गेट होगी, वो नी को ज़्यादा बेंड करेगा अपने फुट को ग्राउंड से क्लियर करने के लिए। इसके अलावा इस एबनॉर्मल गेट की वजह से पेशेंट को लेग हिप और बैक में पेन भी हो सकता है, मसल वीकनेस होगी, ऑफकोर्स मसल वीकनेस तो है ही है ना इंटीरियर कंपार्टमेंट की, टिबियलिस इंटीरियर की। नमनेस भी मिल सकती है क्योंकि नर्व इंजरी की वजह से हो रही है, डिनर्वेशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है, और टिंगलिंग भी जो कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। पॉसिबल काजेस क्या हो सकती हैं ड्रॉप फुट की, शेटिका इस कंडीशन को लीड कर सकता है, पेरोनियल वही कॉमन पेरोनियल या फिर डीप पेरोनियल नर्व इंजरी, स्ट्रोक, ट्रांसवर्स मेलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हो गए जिनमें हमें मोस्टली ड्रॉप फुट मिलता है। अच्छा, इस कंडीशन को अब हम ट्रीट कैसे करेंगे, फिक्स कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द फुट ड्रॉप, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इट्स एम इज़ टू प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ गेट, प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ फुट, स्प्लिंट्स करनी है, पैसिव मूवमेंट हम करवाएंगे और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं। और जिस स्पोर्ट के लिए एंकल फुट आर्थोसिस दिए जाते हैं, प्रोवाइड टो डोर्सिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द स्विंग फेज, मीडियल एंड लैटरल स्टेबिलिटी एट एंकल ड्यूरिंग द स्टांस फेज, पुश ऑफ स्टिमुलेशन हम देंगे ड्यूरिंग द लेट स्टांस फेज। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ब्रेसिस आर सप्लिंट्स आर ब्रेस ऑन द एंकल एंड फुट आर सप्लिंट दैट फिट इन टू द शू कैन हेल्प टू होल्ड द फुट इन द नॉर्मल पोजिशन। जैसे कि ये हमें सप्लिंट नजर आ रहा है और फुट जो है वो नॉर्मल पोजिशन में है, वो ना तो प्लांटर फ्लेक्शन और ना ही डोर्सिफ्लेक्शन में है। ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इट शोज हाई इंसिडेंस ऑफ रिकवरी, स्प्लिंटेज जिसमें हम नी को 20 डिग्री डोर्सिफ्लेक्स करते हैं, एंकल 90 डिग्री, वही ना तो डोर्सिफ्लेक्शन ना प्लांटर फ्लेक्शन। इन डे टाइम वॉकिंग इज अलाउड बाय यूजिंग फुट ड्रॉप अप्लायंसेस, जैसे कि स्प्लिंट हमने दिया था या स्पोर्ट दी थी। वराइटीज ऑफ द फुट ड्रॉप अप्लायंसेस जैसे कि डायनामिक स्प्रिंग शूज यूज किए जाते हैं या फिर स्टैटिक बैक स्टॉप शूज, ये स्टैटिक बैक स्टॉप शू है जो हमें इस पिक्चर में नजर आ रहा है। नर्व स्टिमुलेशन, क्योंकि नर्व इंजरी की वजह से ये कंडीशन हो रही है तो इसमें हम नर्व स्टिमुलेशन भी कराते हैं, जैसे कि टेंसर स्टिमुलेशन द नर्व, नर्व कौन से, पेरोनियल नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, इंप्रूव्स द फुट ड्रॉप स्पेशली इट इज कास्ट बाय अ स्ट्रोक, स्पेशली स्ट्रोक के पेशेंट्स में हमें स्टिमुलेशन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट को हम होम प्लान में एक्सरसाइजेस बताते हैं उसमें टॉवल स्ट्रेच है इस तरह से सिटिंग पोजीशन में, उसके लेग्स जो है वो स्ट्रेट करके डोर्सिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ टॉवल, स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच हो गया, स्टैंडिंग सोलियस स्ट्रेच, स्लाइड फ्लेक्शन के साथ सोलियस का स्ट्रेच होता है, ये स्टेप अप स्टेप डाउन एक्सरसाइजेस, प्लांटर फेशिया स्ट्रेच हो गया, ये हील रेजेस हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंस एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ चेयर या कोई भी स्पोर्ट, ये भी एक्सरसाइजेस होगी, वही बैलेंस एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं इसमें सिंगल एक्सटेंडिंग के साथ फॉरवर्ड रीच, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होगी, प्लांटर फ्लेक्सर्स और डोर्सिफ्लेक्सर्स थेराबैंड से भी कर सकते हैं या किसी भी रोप से, ये टो स्टैंडिंग होगी, ये हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन एक्सरसाइज। इसके अलावा ये वही डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन वो एक्टिवली करेगा सिटिंग पोजीशन में, ये अब चेयर सिटिंग पे ही डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, ये लंबर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो गई, मूव या फिर मसाज योर काफ मसल्स इफेक्टिव इफ़ यू रेज योर थाइस, इसमें अगर थाइस को रेज करके इस तरह से एंकल को रोटेट करें, सरकमफेरेंस करें एंकल सरकमफेरेंस, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है फुट ड्रॉप में। और लास्ट वन है डू रॉक सीजर्स पेपर विद योर टोज, जैसे टोस के साथ हम टॉवल को कर्ज कराते हैं सेम उसी तरह की ये एक्सरसाइज होती है, ये वही एक्सरसाइजेस टो अप एक्सरसाइजेस
चेयर सिटिंग के साथ, ये बाल रोल भी करवा सकते हैं या फिर टो कर्ल्स। क्विक गाइड क्या है हमारे पास फुट ड्रॉप के लिए? व्हाट इज़ फुट ड्रॉप? फुट ड्रॉप इज़ व्हेन यू आर नो लॉन्गर एबल टू प्रॉपरली फ्लेक्स वन आर बोथ फुट, रिजल्टिंग इन अ स्लैप टू द ग्राउंड विद ईच स्टेप रादर देन अ स्मूथ रोलिंग स्टेप फ्रॉम हील टू टो। जिसे हम स्लैप गेट भी कहते हैं ड्रॉप फुट में जो बनती है, क्योंकि वो ठीक से क्लियर नहीं कर सकता। जब भी वो वॉक करेंगे तो वॉकिंग पैटर्न में क्या होता है, नॉर्मली तो हमारा हील स्ट्राइक होता है, फ्लैट फुट होता है और फिर लोडिंग होते हैं, लेकिन वो एकदम से लोडिंग करता है। ये जब पहले दो स्टेप्स होते हैं फ्लैट फुट और हील स्ट्राइक, ये नहीं होंगे। काजेज इसमें क्या है? वीकनेस इन दी मसल्स ऑफ द लेग्स एंड थाइस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी हो सकती है ये कंडीशन, हर्निएटेड डिस्क इन बैक, स्पाइनल कार्ड इंजरीज में या फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिंस। डायग्नोस कैसे करते हैं? वो ये डॉर्सी फ्लेक्शन को हम एग्जामिन करेंगे, एंकल जो रेंजेज हैं उनको, या फिर हेयरिंग दी कैडेंस ऑफ योर गेट ऑन दी हेयर सर्फेस। जैसे कि पेशेंट से कहेंगे कि वॉक करते हुए हम प्रॉपर साउंड भी सुनेंगे स्लैप गेट की, कि जो फर्स्ट टू कॉम्पोनेंट्स हैं हील स्ट्राइक और फ्लैट फुट, वो उसके मिसिंग होंगे, तो वो एकदम जब फुट ग्राउंड पे प्लेस करेगा तो स्लैप की तरह एक प्रॉपर साउंड सुनाई देती है। ट्रीट कैसे करते हैं इस कंडीशन को? फिजिकल थेरेपी के थ्रू ऑर्थोटिक इंसर्ट्स करवा के, यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन और एंड रिजल्ट एंड जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सर्जरी है।